मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि अभी मैं हूँ वृंदावन में, और कल हमारा फर्स्ट डे था वृंदावन में और आज सेकेंड डे है। तो अभी हम नहा धोवा के तैयार हो गए हैं मंदिरों में घूमने के लिए, और थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के पास। जैसा कि देख सकते हैं मैं पूरे फैमिली के साथ मौजूद हूँ। और गाइस नाश्ता वगैरह हो गया और अभी दोपहर का 1:30 बज चुका है और मैं आया हूँ वृंदावन का रंगनाथ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, रंगनाथ मंदिर जो कि पूरी साउथ का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, उस तर्ज पर यहाँ पर रंगनाथ मंदिर बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े शिलाएँ और अट्टालिकाएँ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर रंगनाथ स्वामी जी का एक विग्रह है जिसका पूजा किया जाता है बिल्कुल साउदर्न पद्धति के अनुसार। तो ये वृंदावन में ही मौजूद है और यहाँ पर घूमने के लिए दो लोग भारत के हर कोनों से आते हैं, खासकर भारत के साउथ एरिया से यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए। सो गाइस कुछ इस तरह का नज़ारा है रंगनाथ मंदिर के गेट का, और आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस मंदिर है और कितना ज़्यादा क्षेत्र है इसका। प्रेम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि सबसे बड़ा मंदिर है वृंदावन का, उसके बाद जो मंदिर है वो है रंगनाथ मंदिर। इसका भी आप स्पेस देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये मंदिर है, और पूरा साउदर्न कल्चर में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों की काफ़ी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर प्रतिदिन, चाहे वीकेंड हो या अन्य दिन हो, यहाँ पर घूमने के लिए और स्वामी रंगनाथ के दर्शन हेतु आती है। तो हम लोग भी आए हैं फैमिली के साथ, हम भैया, विपुल बाबू, परी रानी और भी बहुत लोग, हम लोग फैमिली के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। गाइज ये जो खंभा आप देख रहे हैं ये रंगनाथ मंदिर के बीचों बीच अवस्थित है, और ये पूरी तरह से सोने का खंभा है, और कहा जाता है कि इस खंभे का वजन लगभग 85 किलो का है, यानी 85 किलो का ये स्वर्ण का खंभा है दोस्तों। सो गाइस अभी जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये रंगनाथ मंदिर के अंदर में ही मौजूद है, और इस जगह का नाम है शीश महल। और इसमें घुसने के लिए 5 रुपये का टिकट लगता है, जो कि आपको इसके ठीक बाहर में ही काउंटर पर मिल जाएगा। तो वो टिकट लेकर आप यहां पर दर्शन कर सकते हैं शीश महल का, और बहुत ही भव्य महल टाइप का यहां पर आपको दिखेगा, जो कि पूरा शीशा से इसके दीवारों को, छतों को सजाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। गाइस अभी हम आ गए हैं रंगनाथ मंदिर के मुख्य मंदिर के पास, और वहां का श्री विग्रह का दर्शन अभी मैं आपको कराऊंगा कैमरे के माध्यम से। आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है और कितना प्राचीन मंदिर है, और किस तरह का डिज़ाइन किया गया है यहां के दीवारों को, और वो श्री रंगनाथ स्वामी का विग्रह है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ रंगनाथ मंदिर का, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो अगर आप वृंदावन आते हैं तो समय निकाल कर इस मंदिर में ज़रूर आएँ घूमने के लिए, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर वृंदावन का गर्व कहा जाता है दोस्तों। और ये दर्शाता है कि वृंदावन में सिर्फ उत्तर भारतीय मंदिर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय मंदिर भी मौजूद हैं, और वहाँ भी लोग दूर दूर से दर्शन करने हेतु आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर दीवारों पर कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाई गई हैं और कितनी खूबसूरती से सजाई गई हैं, साथ ही साथ पद और दोहे लिखे गए हैं संस्कृत में और साउदर्न लैंग्वेज में।
कुछ इस तरह का नज़ारा है, बहुत ही रमणीय नज़ारा है। कुछ इस तरह के खंभे आपको मिल जाएंगे मंदिर परिसर के अंदर में भी। सो गाइस, अभी क्या हो रहा है कि मंदिर में बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र बज रहा है और शहनाई के साथ एक तबला जैसा कोई वाद्य यंत्र है वो बज रहा है, जो कि पूरी साउदर्न म्यूजिक स्टाइल में बजाया जा रहा है श्री रंगनाथ स्वामी के मुख्य मंदिर में। और मैं अभी बाहर की ओर आ चुका हूँ मंदिर के, और काफ़ी विशाल मंदिर है। दोस्तों, अब जो आप नज़ारे देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये श्री रंगनाथ मंदिर का वाहन रूम है, यानी कि आपको यहाँ पर कई तरह के वाहन प्रभु के मिल जाएंगे, जैसे कि उल्लू हुए, यहाँ पर शेर का प्रारूप धरे हुए एक अलग जानवर हुआ वो हुआ, पालकी हुआ, उसके बाद शेषनाग हुए, कई तरह के यहाँ पर आपको भगवान के वाहन के दर्शन हो जाएंगे। और इस ऑडिटोरियम में घुसने के लिए भी आपको 10 रुपये के टिकट लगेंगे, जो कि इस ऑडिटोरियम के जस्ट बाहर में ही काउंटर पर अवेलेबल हो जाएंगे, 10 रुपये पर व्यक्ति। और श्रीला सिंह वगैरह यहाँ पर बहुत मिलेगा, और पूरी तरह से एसी से सुसज्जित है ये जो ऑडिटोरियम है। कुछ इस तरह का देखिए, विपुल बाबू, परी रानी सबको यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, और इस तरह का सीन आप देख सकते हैं। गाइस, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में आपको एक कुंड भी मिलेगा, और ये जो कुंड आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह का कुंड मिलेगा जो कि इस मंदिर की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। और ये जो कुंड है मंदिर के पीछे साइड में मौजूद है, जहां पर अभी हम खड़े होकर शूट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कुंड है, और उस तरफ मंदिर की दीवार है। तो अगर आप मंदिर दर्शन करते हैं तो यहाँ भी एक बार ज़रूर आएँ। सो गाइज, इट्स टाइम टू एंड दिस ब्लॉग, और आई होप कि आपको ये वृंदावन का सेकेंड ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कल एक फिर नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और राधे राधे।